नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कंचन गुप्ता है, मैं कुमारपुर आसनसोल में रहती हूँ। मेरी शादी 30 नवंबर को विष्णु विहार शांतिपुरा में हुआ है। मेरे पति दिलीप मोदी का बेटा गुड्डू मोदी के साथ मेरी शादी हुई है। मेरे शादी 30 नवंबर को तो हुई है, लेकिन मेरे जब से शादी करके वहाँ गई, उसके घर में रहना स्टार्ट की। मेरी सास का दहेज के प्रति कि आप जाइए अपने घर वालों से दहेज लेकर आओ, तो हमेशा दहेज के लिए झगड़ा लड़ाई मारपीट करते रहती थी। मेरे हस्बैंड को सिखाती थी कि तुम अपनी तुम्हारी वाइफ तो गरीब घर की है, इससे शादी करके तो हम लोग बेकार कर दिए। अगर किसी और अमीर लड़की से शादी करते तो और ज़्यादा पैसा मिलता। ये सब बात बोल बोल के हमेशा मुझे टॉर्चर किया जाता था। हम कभी भी कुछ भी वो लोग को हम नहीं बोलते थे, हम अपना हस्बैंड को बोलते थे कि मम्मी जी इस तरह से जो बोलती है इनका सोच बहुत ख़राब है, दहेज के लिए हमेशा शादी होता है क्या। तो मेरी सास क्या कहती थी, मेरी सास, देवर, ननद, नंदोसी, मेरे नंदोसी और ननद, ये मेरे हस्बैंड को हमेशा सिखाते थे कि आप तो शादी कर लिए कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लड़की को तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसके साथ आप संपर्क में मत रहिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन पहले ठीक था, लेकिन उनको सिखा के मारपीट उसे जाओ दहेज लेकर आओ। लेकिन धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का भी यही कहना हो गया कि तुमसे शादी करके तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अगर कोई और लड़की से शादी करते तो हमको पैसा मिलता, और ज़्यादा पैसा मिलता, ये वो। हम अपने हस्बैंड को बहुत समझाने का कोशिश किए, लेकिन मेरी सास उसको समझने ही नहीं देती थी। मेरी सास, ननद, आनंदोसी हमेशा फ़ोन कर करके मेरे हस्बैंड को, तुम अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते थे तो उसको फ़ोन कर करके, नहीं आप तुम अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो, बाहर रहो, इधर रहो, उधर रहो, लेकिन अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, ये लड़की ठीक नहीं है, इसको हम लोग रखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड, मेरी सास ससुर आपस में बात करने के बाद, मेरे हस्बैंड आके नीचे हमको बोले कि तुम्हारे पास जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे करवा दो, वहाँ पे हम दुकान खोलेंगे अपना डेकोरेशन का। तो हम बोले ठीक है, इसमें नाम करवाने का क्या बात है, अगर मेरे घर में ज़मीन है तो आप रह डेकोरेशन का दुकान खोल सकते हैं, जो भी आपको सामान रखना है रख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते, नहीं नहीं तुम मेरे नाम पे ज़मीन करवा दो, अगर ज़मीन नहीं करवाओगी तो हम जो तुम्हारे साथ उसकी बात करेंगे, तुम फिर उसके बाद मत बोलना कि हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किए। हम सोचे मेरे हस्बैंड हमसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता है, अभी तो नया शादी की है। हम बोले मेरे पास ना पैसा है, मेरे मम्मी पापा पास ना ज़मीन है रहने के लिए, मेरी मम्मी को ऑपरेशन कराना है पेट का, मेरी मम्मी का पेट में पत्थर है, इसका शिकायत है। तो हम अपने हस्बैंड से इस बात बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है मेरे घर में, हम कहाँ से लाएंगे पैसा, और ज़मीन अभी तो शादी हुआ है, और कौन मुँह से हम अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि मम्मी हमको ज़मीन मेरे नाम पर लिख दो, मेरे पास कुछ नहीं है। बस यही बात का हम दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। ये बात हमेशा मेरी सास मेरे हस्बैंड को, ये तो कुछ भी लाभ ही नहीं रही है, और ना ये तुमको छोड़ के जाने के लिए, हमको हमेशा मेरी सास कहती, मेरे सास, ससुर, देवर, यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी अब कहने लगे थे कि तुम चल जाओ मायके चले जाओ हमको छोड़ के। हम बोलते थे नहीं, शादी तो मेरा आपके साथ हुआ है, हम आप ही के साथ रहेंगे, हम मायके नहीं जाएंगे। वो सोचते थे कि मायके जाएगी तो मायके में रहेगी कुछ दिन तो खुद ये मेरा जो डिमांड है ये पूरा करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम जाते भी नहीं थे। वो लोग कितना भी हमसे मारपीट करते, मेरे हस्बैंड जब मैं 3 महीना के प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे मारपीट करना, दारू पी के आना घर में, सिगरेट पीना, यहाँ तक मारपीट में उस पेट में मेरे लात मारे थे। लात मारने की वजह से पेट में मेरे प्रेग्नेंट में लात मारने से हम उसको अपनी सास को बोले ये बात कि मम्मी जी वो मेरे पेट में लात मारे थे। मेरी सास क्या बोली कि
समझाने की जगह अपने बेटा को वो बढ़ावा दे रही है कि क्या करो, क्या हो गया, मार दिया तो तुम्हारा हस्बैंड ही है ना। हम बहुत बार अपना हस्बैंड को समझाएं कि देखिए पेट में आप लात मार रहे हैं, मेरा बच्चा मर जाएगा, ठीक है, आप हमको मार पीट कर रहे हैं घर में, अपना माँ के बात पे, अपना नंद जीजा जी के बात पे मेरे साथ इस तरह का मत कीजिए। क्या हुआ, हम तो लड़के, हम लड़की नहीं है, दहेज ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। लेकिन मेरा हस्बैंड को धीरे धीरे इस नहीं, मेरे हस्बैंड का कहना था नहीं, मेरी माँ सब बात सही बोलती है, तुम गलत बोलती हो। तो हम उनको समझाएं कि नहीं, आपकी मम्मी हमसे दहेज का डिमांड करती है, दूसरा अगल बगल में शादी रहता था, जाती थी, देख के आती थी, अपना बेटा को बोलती थी देखो उसको इतना मिला उतना मिला। हम लोग बेकार घर, गरीब घर का लड़की से शादी कर लिया, हम लोग का तो बिल्डिंग ही, हम लोग को तो और बड़ा घर का कुटुंब मिल जाएगा। ये सब बात बोल बोल के मेरे नंदोसी का कहना था इसके बीच में, वो हमेशा मेरे हस्बैंड को कॉल कर करके मेरे प्रति भड़काते रहते थे, और ननद मेरी कि सुनिए ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको डिवोर्स दे सकते हैं, इसको डिवोर्स दे दीजिए। तो मेरे हस्बैंड का अब क्या कहना हो गया, हम तुमको डिवोर्स दे देंगे, तुमको नहीं रखेंगे अपने साथ। तो हम बोलने लगे कि अब तो पेट में बच्चे, आप कैसे हमको इस तरह का बात बोल रहे हैं। इस बात में हम लोग के घर में अक्सर झगड़ा होता था, और मेरी सास, ननद और नंदोसी, ये इसमें ये लोग क्या करते थे, झगड़ा को सुलझाया जाता है लेकिन ये लोग और झगड़ा को बढ़ाते थे। घर से बाहर मैं आदमी लोग जब पूछता था क्यों आपके घर में इतना झगड़ा हो रहा था, ये लोग क्या बोलते थे, मेरी बहू बहुत हरामी है, आ गई ये घर में झगड़ा करती है, और हम लोग इस अच्छे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कि नहीं तुम मायके मत जाओ, मायके जाने का जिद करती है, जिसमें हम मायके कभी जाना ही नहीं चाहते, क्यों जाएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं आया, ये लोग हमको हमेशा चल जाओ ना घर से, चल जाओ ना घर से बोल के। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में झगड़ा, रात में मेरे हस्बैंड दारू वारू पी के आए थे, मेरे साथ बहुत मारपीट किए, और मेरे सास ससुर भी इसमें साथ थे। मेरे घर में एक ऐसा मतलब उस दिन हुआ कि मेरे पति मारपीट भी सुबह में, शाम में, रात में, सुबह में ही, रात में पूरा मारपीट हुआ, उसके बाद सुबह में भी मारपीट किए हम मेरे साथ, और हमको डॉक्टर के बहाने ले जाके, माँ बेटा दोनों हम बोल रहे थे सुबह में कि नहीं हमको डॉक्टर पास नहीं जाना है, आप हमको मारे, इतना रात में भी मारे, सुबह में मारे, हमको डॉक्टर पास नहीं जाना है। तो ये लोग क्या किए, सास और पति, मेरे सास और पति को सारा बात पता था, वो लोग क्या बोले कि चलो ना डॉक्टर दिखा देंगे। हम भी सोचे कि लग रहा मारपीट ये लोग करते हैं, हमको डॉक्टर दिखाने का लोगों का मन हुआ होगा। तो हमको क्या किए, घर से बाहर निकालने के लिए चलो डॉक्टर दिखाने के बहाना हमको ला के चित्रा में छोड़कर चले गए कि चलो हम तुमको डॉक्टर दिखाएंगे, और चित्रा में डॉक्टर के बहाना छोड़ के चले गए, घर चले गए। हम उनको जब दोबारा कॉल लगाए कि कहाँ है आप, हमको कहाँ छोड़ के चले गए, तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे कि तुम मेरा वकील से बात कर लेना, हम नहीं आएंगे तुमको वापस लेने के लिए। तो हम बोले कि ऐसा हालत में आप हमको छोड़ के, इसका मतलब रास्ता में छोड़ के भाग गए हैं कि आप तो ऐसा जगह पे हमको छोड़ के भाग गए, हम आत्महत्या कर लेंगे, आप आइए हमको लेने के लिए। मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम तुमको लेने नहीं आएंगे, तुमको जो करना है करो, और अब डायरेक्ट एक ही बार बात होगा कोर्ट में। हमको समझ में नहीं आया बात था, अपने हस्बैंड पे फिर भी विश्वास किए। उस दिन बारिश बहुत हो रहा था, मेरे पेट में ऐसा सुन के तो और हालात मेरा ख़राब रहा था, वहीं रास्ता में बैठे हुए थे, बारिश आने की वजह से हम भीग भी गए थे, आधा डॉक्टर का कागज़ पत्र लिए हुए थे। तो एक मेरी घर की तरफ एक महिला रहती थी, वो हमको रास्ता में देख के बोली ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम रास्ता में क्यों बैठी हो अभी ऐसा हालात में। तो उसको हम सारा अपना बात बताएंगे, देखिए मेरे हस्बैंड हमको छोड़ के रास्ता में भाग गए हैं, और मेरी मम्मी को मत बताइए, मेरे फैमिली में किसी को मत बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे साथ। तो वो महिला बोली कि क्या क्या हो गया, बोले मेरे पति हमको छोड़ के घर से भाग, डॉक्टर के बहाना छोड़ के भाग गए हमको। तो मेरी वो महिला बोली कि चलो मेरे घर में रह लेना थोड़ा देर। तो हमको ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर लेके गई, क्योंकि मेरा माथा बहुत ज़्यादा घूम रहा था, वो अपने घर ले गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड एक बार भी तो उसके बाद कॉल ही नहीं किए, वो 10 बजे रात तक हम उनका वेट किए कि मेरे हस्बैंड उनको कॉल करेंगे। 10 बजे बाद होने के 10 बज गया रात, तब हम सोचे कि नहीं किसी और के घर में हम कैसे रह सकते हैं, नहीं तो मेरे हस्बैंड पूछेंगे कि तुम जब मायके में नहीं थे तुमको हम नहीं रखे थे, तुम कहाँ थी। तो हम वो अंकल आंटी को बोले कि अंकल आंटी आप हमको मेरा घर फाड़ी के पास ले चलिए, मेरे हस्बैंड लगता है अब नहीं आएंगे। जब हम फाड़ी पहुँचे तो हम मतलब पुलिस से बोले ये ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे पति हमको डॉक्टर के बहाना छोड़ के भाग के चले आए। तो पुलिस क्या बोले कि तुम्हारा सास और तुम्हारा हस्बैंड आया था, तुम्हारा सास का कहना है कि तुमको वो लोग नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे बोल के वो लोग चले गए।
हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ शादी की है, क्यों नहीं रखेंगे, आप बुलाइए वो लोग को। तो पुलिस उसको जब 10 बजे रात को माँ बेटा को दोनों को बुलाया गया तो वो लोग मेरा बहुत शिकायत कर रहे थे कि गरीब घर की लड़की है, ऐसे करती है वैसे करती है। मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया भी गया था कि तुम देखो प्रेग्नेंट लेडीज को लात मत मारना पेट में, बस वो लोग बात नहीं समझने की वजह से वो लोग मेरे पुलिस जेल में मेरे हस्बैंड को डाल दिए। उसको शायद कुछ दिन का जेल भी हुआ था। तो मैं उसके बाद में हम मायके में ही रह रहे थे क्योंकि पुलिस बोला कि इसको मायके ले जाइए। हम बहुत रो रहे थे क्योंकि अपने हस्बैंड को हम जेल, तो वो उनका अपना हरकत की वजह से उनको जेल हुआ था, क्योंकि माँ बेटा दोनों का एक ही जितना हम नहीं रखेंगे, अपनी वाइफ को नहीं रखेंगे। और पुलिस के सामने ये भी बोल रहे थे कि गरीब घर की लड़की इसको नहीं रखेंगे। तो वो जेल में अपने वजह से थे, जेल में रहने का, हम मायके में इधर थे, हम सोचे जेल से जब वो निकलेंगे तब हमको ले जाएंगे, शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो जेल से निकलने के बाद अब वो क्या कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे हम तो जेल चले गए, अब हम तो तुमको और नहीं रखेंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे। उनकी माँ का कहना है मेरा बेटा जेल गया, हम तुमको नहीं रखेंगे। तो हम ये बात बोले, हम मम्मी जी जब मेरे हस्बैंड जेल में थे तब तो हम आपको कॉल किए थे चलिए मम्मी जी छुड़ाने के लिए। तो मेरी सास का कहना था मेरा बेटा जेल में रहेगा लेकिन तुम्हारे साथ उसको रहने नहीं देंगे हम। ये बात बोल के वो लोग अभी भी राजी नहीं हुए। बहुत इस ऐसे करते करते 3 महीना से मेरा अब धीरे धीरे टाइम 4 महीना तक हम सबके पास गए, हर पार्टी हर जगह जहाँ से मेरे हस्बैंड को समझाया जाए सास ससुर को कि नहीं मेरे ये लोग गलत है, ये लोग गलत कर रहे थे, मोहल्ला वाला सब उनको समझाया कि नहीं आप अपने बहू के साथ ऐसा हालत में छोड़ के भी भागा है। और उसके पहले मेरे घर से छोड़ने के पहले ये लोग मेरे पे केस भी किए थे, झूठा केस कि हम इसके घर में सामान तोड़ा तोड़ी किए हैं, पता नहीं क्या किया। ये केस की वजह से ये लोगों को घर से भगा दिए गए, रास्ता में छोड़ दिए, क्योंकि जब ये लोग मेरे पे केस किए तब हम घर में ही थे, हमको तो केस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये माँ बेटा हमेशा हमको ये मेरे ससुराल वाले बोलते थे तुम चली जाओ, हम नहीं जाते थे। तो ये लोग क्या किए, हमको पहले केस किए हैं, उसके बाद झूठा बहाना करके डॉक्टर का बहाना हमको रास्ता में छोड़ के भाग गया कि उनका शायद वकील सिखाया हो कि घर में जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप केस किए हैं, आपकी बहू तो आपके पास है तो बहू को छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये लोग हमको रास्ता में छोड़ के भाग गए अपना केस की वजह से। जब इनको और सब आदमी समझाते थे कि आप अपनी बहू को ले आइए, आप लोग गलत किए हैं, तो ये लोग इसकी माँ का कहना था हम लोग कोर्ट से समझेंगे। तो हम बोलते थे जब हम केस ही नहीं किए, हम तो फाड़ी में एक कंप्लेन किए हैं जो मेरे साथ हुआ था, वहाँ का पुलिस बोला था जो आपके साथ हुआ है वो आप लिख दीजिए, हम लिखे वही मेरा एक कंप्लेन था। हम तो नहीं पुलिस को बोले थे कि ये धारा लगाइए वो धारा लगाइए, ये पुलिस अपना जो सही था वो पुलिस किए। लेकिन मेरी सास मेरे पे झूठा केस की थी और हमको घर से भी निकाल दी। अब मेरा सास ससुर को जब भी आदमी समझाने जाता था तो ये लोग अपना जिद में अड़ा रहता था, नहीं हमको कोर्ट फैसला करेगा। तो आदमी भी सोचता था, जब हम भी सोचते थे जब ऐसा कोई बात नहीं है कोर्ट क्या फैसला करेगा, कोर्ट में तो कोई ऐसा शिकायत दर्ज ही नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत गलत किया है, ये बात हम कंप्लेन किए हैं पुलिस को, तो कोर्ट का तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो झूठा केस हुआ है, मेरा हस्बैंड तो मेरे सास तो झूठा केस करवाई थी की हुई थी, इसलिए हमको घर में लेके जा ही नहीं रही थी। बहुत जगह हर जगह हम अपना बताएं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, सब मेरे हस्बैंड को जब भी कोई बुलाता था जब फैसला के लिए हम भी वहाँ पे गए नियामतपुर विष्णु विहार, मेरे हस्बैंड को कितना बार पुलिस स्टेशन में भी हम अपने हस्बैंड को बुलवाएं कि मेरे से देखिए हम तो ऐसा आपके साथ आपकी मम्मी जानबूझ के ऐसा करवाई है हम लोग को अलग करने के लिए, मार पीट के केस तो हम जो भी हुआ है हम किए हैं, मेरे साथ जो हुआ है हम सच बताया है पुलिस स्टेशन में। मेरी सास क्या बोलती है, कोई भी बुलाएगा कोई भी पार्टी या पुलिस बुलाएगा हम लोग को जाना नहीं, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट से सुनेंगे। ऐसे बीतते बीतते मेरा टाइम बीत गया, धीरे धीरे इंतजार करते करते एक दिन हम 10 अगस्त को, उसके पहले भी हम पुलिस स्टेशन में गए थे अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। मेरे हस्बैंड का कहना है कि देखो मेरे पास पैसा पावर सब कुछ है, ठीक है तुम अब अच्छा होगा कि हम उसको डिवोर्स दे दो चाहे मेंटेनेंस लो मेरे से। तो मेरा एक ही फैसला था, मेंटेनेंस तो हमको चाहिए नहीं और डिवोर्स तो हम जीते जी अपना हस्बैंड को देंगे नहीं, मानते हैं हम गरीब घर का लड़की है, ठीक है मेरा भी तो इज्जत है, हम शादी किए हैं, मेंटेनेंस लेने के लिए तो शादी हम किए ही नहीं है, मेंटेनेंस क्यों लेंगे हम, मेरा पेट में बच्चा है, हमको अपना हस्बैंड चाहिए।
मेरे को मेरा जो ससुराल में जिससे शादी जहाँ हम किए हमको मेरा अधिकार चाहिए, वो कोई मेंटेनेंस ये नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलता है, ठीक है जाओ, यहाँ पे 1200 आदमी में से 900 आदमी मेरा है, तुम कौन तुम्हारा सपोर्ट करेगा? क्या होता है, क्या फाड़ी पे बुला के क्या हमको रखवा देगा तुम्हारे घर में? रख लेगा ये सारा पुलिस स्टेशन, सारा आदमी, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्या करेगा, ये लोग मेरे घर जाने का हिम्मत है? कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे बोल बोल के हम हमेशा पुलिस स्टेशन जाते थे उनको समझा। फिर हाँ, हम 25 अगस्त को ससुराल गए थे, धरना भी दिए वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी सास का कहना है कि ये अगर रहेगी तो हम उस घर में नहीं रहेंगे, इसको हम नहीं रखेंगे। तब हम उनको बोले कि देखिए मम्मी जी, आपका बिल्डिंग हमको नहीं चाहिए, ठीक है, आप मेरे साथ गलत कर रही है, हमको मेरा पति चाहिए। तो मेरी सास क्या बोलती है, पहले तो नहीं 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 मेरा बेटा भी हम तुमको नहीं देंगे, क्यों मेरा बेटा क्यों रहेगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है, मेरे साथ बहुत गाली गलौज की, यहाँ तक हमको यहाँ इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको यहाँ से ले जाओ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उल्टा पुल्टा बात बोल रहे थे, ऐसी हो तुम चली जाओ यहाँ से, हम तुमको नहीं रखेंगे। हम यही धारणा मेरा था कि मेरा हमको बिल्डिंग से तो कोई मतलब नहीं होता है। 7 महीना का प्रेगनेंट है, जहाँ जाते हैं मेरे हस्बैंड को हमको खोजा जाता है, कहाँ आपका हस्बैंड? मेरे हस्बैंड को हर जगह पे खोजा जाता है और हमको हर जगह पे एक इंसल्ट फील होता है कि मेरा हस्बैंड रहते ही मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे ये बच्चा। 25 अगस्त को मेरी सास और पति ये लोग दोनों हम धारणा दिए थे। तो मेरी सास जो है वो तो डायरेक्ट बोल रही है कि नहीं, हम ये घर में रहेगी तो हम ये घर में नहीं रहेंगे। अपना बेटा को बोलती है कि इसको छोड़ दो, इसको पहले भी उनका यही कहना है, अभी भी उनका यही कहना है कि लड़की को तुम छोड़ दो। अब मेरे हस्बैंड क्या हमको बहला फुसला के वहाँ से कि चलो कंचन, ठीक है चलो, तुमको मेरे माँ साथ तो नहीं मेरे साथ रहना है ना। तो ये बात हम सोचे कि हाँ चलो, मेरे हस्बैंड ठीक ही बोल रहे। मेरे हस्बैंड का बाइक में बैठ के हमको वो फाड़ी लेकर गए, फाड़ी में भी मेरी सास पीछे पीछे मेरे आई और मेरे हस्बैंड को बोले छोड़ दो इसको, रख लो मत, तुम छोड़ दो इसको। हम उनको मतलब गलत बात सिखाया जा रहा था कि छोड़ दो इसको, ये तो खराब लड़की है, गाली गलौज कर रही थी मेरे साथ वहाँ पे फाड़ी के पास भी। तो हम अपने सास को बोले हम अब कोई भी हाल में अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो पुलिस वहाँ का प्रशासन जो है वो बोले कि अपने बीवी को आप ले जाओ, तुम्हारी बीवी ऐसा हालात में है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, मेरी माँ तो बेदखल हमको कर दी है, तुम चलो मेरे साथ। हम अपना हस्बैंड के साथ ही चले, बाइक में चले आए। वो क्या किए, मेरी सास फिर क्या किए, फिर फोन करके उसको सिखा रही है कि बेटा उसको कहीं भी रास्ता में छोड़ के तुम चले आओ। लेकिन हाँ, अपना हस्बैंड का साथ ही नहीं छोड़ा था, उन्हीं के साथ थे। मेरे हस्बैंड उनको दिन भर पूरा रात दिन पूरा इधर उधर भटका है, यहाँ पे छोड़ के, जैसे रास्ता में छोड़ के, रुको हम आ रहे हैं, इधर उधर बैठो, तुम मेरे साथ ही तुमको रहना है ना। मतलब हमको ऐसे ही दुख दे रहे थे कि ऐसा दुख देंगे तो वो खुद हमको छोड़ के चली जाएगी। फिर भी उनका साथ हम नहीं छोड़े, हमको रास्ता में बैठा के एक जगह छोड़ के भाग गए। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बाद हम फोन करते रहे, उसके बाद 1.5 घंटा बाद आए। मतलब जहाँ था हमको छोड़ छोड़ के चले जाते थे कि ऐसे दुख देंगे तो वो खुद हमको लड़की छोड़ के चली जाएगी अपने घर। उसके बाद धीरे धीरे आपस में हम लोग का धीरे धीरे झगड़ा होते होते रात हो गया। लेकिन रात होने के बाद मेरे मतलब प्रेगनेंट हालत में थे तो हमको बहुत उल्टी हो रहा था। मेरे हस्बैंड को हम बोले कि चलिए घर, आपका मम्मी के घर ही जाएंगे हम, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे, मम्मी के पास तो तुमको हम लेके रहेंगे नहीं, नहीं जाएंगे हम मम्मी के पास, मेरा मम्मी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये झूठ, मम्मी उसकी जो है झूठ मूठ का, उसको बार बार कॉल करती थी और बोलती थी वाइफ को छोड़ के चले आओ, और उधर फोन में सिखाती थी अपनी वाइफ को छोड़ के चले आओ। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी तो बेदखल कर दी है हमको, ठीक है, तुम अब कौन सा घर जाओगी। तो हम लोग का परिचित में, मेरे हस्बैंड का परिचित में कोई जान पहचान का था, उन्हीं के घर में हम और मेरे हस्बैंड रात भर मेरे हस्बैंड हमको लेके रहे। रात में रहने के बाद मेरे हस्बैंड अपना मतलब जो भी उसका बात है वो सारा बात बताया कि देखो मेरी माँ तो तुम्हारे साथ, हम तो तुमको रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ है, मेरी जीजा, मेरी बहन, ये तुमको नहीं वो घर में रखने देंगे। तो हम तो तुमको वो घर लेके नहीं जा सकते हैं, तो तुम हमको टाइम दो। हम बोले नहीं, हम कहाँ आपको टाइम, हम तो आप ही के साथ रहेंगे, टाइम हम कैसे दें, मेरा ऐसा हालात, हम कहाँ जाए, हम मायके तो जाएंगे नहीं। ऐसे करते करते सुबह हुआ। फिर क्या, सुबह होने के बाद भी वो एक बार चले, बोले कि हमारे कंचन बाहर चले गए, हम जिनके घर में छोड़ के हमको गए थे हम उन्हीं के घर में थे, उनके रिलेशन, उनका जो भी दोस्त है उनके घर में। जाने के बाद मेरे हस्बैंड जब 1 घंटा हो गया नहीं आया, तो फिर उनको हम कॉल किए कि कहाँ हैं आप,
तो वो झूठ बोलते हैं हम गाड़ी बना रहे हैं, मतलब बाहर में हम आएंगे बाद में आएंगे। बोलते बोलते एक ही बार वो 2 बजे के टाइम में आए, नहीं 2 बजे, हाँ 2 बजे के टाइम में कपड़ा उपड़ा चेंज करके आए। तब हम उनसे पूछे कि आप बोलते बेदखल है हम, तो आप कपड़ा उपड़ा कहाँ से बदल कर आ रहे? तो बोलते हैं मेरी माँ तुमको घुसने नहीं देगी। अरे ये अपनी माँ से मिले हुए हैं, जाके घर में कपड़ा बदल रहे, खाना खा रहे, और हमको ऐसा टॉर्चर कर रहे कि लड़की को ऐसे गली गली घुमाएंगे इधर से उधर दूसरा का घर में, कि लड़की खुद हमको छोड़ के रहना नहीं चाहेगी, मेरे साथ चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम बोले कि नहीं हम आप ही के साथ रहेंगे। 2 बार हस्बैंड मेरा घर गया, 2 बार मेरी सास घर में, उसको उसको तो जगह दे दे रही है और हमको घर से निकाल दे रही है भूखे प्यासे। दूसरा के घर में हम बोल रहे हैं हमको अब देखिए हम लोग गेस्ट बन के आए हैं किसी के घर में, अब हम नहीं रहेंगे, चलिए बाहर आपके पास तो पैसा तो आप मेरे माँ बाप जो भी आपको दिया गया है आप कौन सा दिन में वो सब सामान काम आएगा, अपने मम्मी से लेके घर भाड़ा करके हमको रखिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे हस्बैंड का मन में तो ये है कि इसको दुख देंगे तो ये चली जाएगी हमको छोड़ के। मेरे हस्बैंड हमसे मतलब बातचीत करके फुसला के वो जिनके घर में रखे थे उनको बोले कि देखिए मेरी बीबी प्रेग्नेंट हालत में, मतलब हमको राजी कर लिए ये बात के लिए कि चलो कंचन हम तुमको ठीक है हम घर भी ले लेंगे, तुमको ठीक से रखेंगे, तुमको कोई इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगले बार के जैसा। और हमको 5 बजे के टाइम में फाड़ी के पास ला के मेरी मम्मी पापा को सब बुलाया गया, वहाँ पर एक म्यूचुअल फैसला हुआ, म्यूचुअल हो ही गया था हम लोग के बीच में, ठीक है हम लोग के बीच में तो म्यूचुअल हो गया था। मेरे माँ बाप को बुलाया गया, वहाँ के जो भैया लोग हैं बुलाए मेरे मम्मी पापा को, मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ के कि मम्मी जी आप मेरे 7 महीना का इतना दिन से मेरी वाइफ को आप रखे हैं ना अपने पास, बस कुछ दिन और अपने पास 2-4 दिन रख लीजिए, हम घर भी खोज लेंगे और अपनी वाइफ को आपके पास से ले जाएंगे, आप अपनी वाइफ को अभी मेरा ले जाइए, हम उसको डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, उसको फ़ोन भी करेंगे, उसको कोई मेंटली टॉर्चर नहीं देंगे, ऐसा हालात में उसको फ़ोन करेंगे, उसको दवाई भी करने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे बोल के हमको घर तो फुसला के भेज दिए, आके यहाँ पे घर आए, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा से हाथ जोड़ के पहले विनती किए थे कि ले जाइए मम्मी जी मम्मी, तो मेरी मम्मी मान गई उनके बाद। फिर मम्मी जब यहाँ घर लेके आई, मेरे हस्बैंड ही आए थे हमको छोड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड यहाँ पे छोड़ के हमको तो गए। घर जैसे गए उसके बाद ना कोई कॉल ना कोई फ़ोन, हम उनको फ़ोन करें घर से तो फ़ोन तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे चलिए क्या बात हो गया, अब घर चले गए। घर जाने के बाद फिर मेरा हस्बैंड वैसे ही मेरे साथ बदल गए, बोलते हैं नहीं मेरी मम्मी तुमको नहीं रखेगी, और नहीं रखेगी हम कोर्ट का फैसला सुनेंगे। मेरी मम्मी बोलती है कि कोर्ट जो बोलेगा वो हम करेंगे, ऐसे बोल के मेरे हस्बैंड ना कोई कॉल कर रहे हैं ना कोई फ़ोन कर रहे हैं हमको, और ना कोई डॉक्टर दिखा रहे। जब हम फ़ोन कर रहे मेरे हस्बैंड एक ही बात का हमको बोल रहे हम कोर्ट से सुनेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई मीडिया कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरा तुम्हारा दुश्मनी चल रहा है, मेरा तुमसे कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा उसका म्यूचुअल तो तभी हो गया था जब वो हमको 1.5 दिन तक अपने पास रखा और हमको फिर से फुसला के मेरी माँ के पास छोड़ दिया। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको अपना ससुराल में अधिकार मिले मेरे पति के साथ। मेरे सास जब मेरे पति को जगह दे रही है तो हमको मेरे साथ मेरे बच्चा और मेरा क्या होगा? शादी करके तो हम गए थे उनके पास, आज उनका कहना है कि तुम बीबी को छोड़ दो, बीबी को तो छोड़ देंगे, बीबी और बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरे हस्बैंड को घुसा लेती है घर में, उनको रखती है और हम लोग को बोलती है ये लोग को घुसने नहीं देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे इस वक्त? अरे इस वक्त तुमको अपना पति का एक सख्त जरूरत है, हमको अपना ससुराल में अपने पति के साथ रहना है, कि हमको मेरे घर में जगह दिलाइए, और ये लोग जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं इसके खिलाफ कुछ कीजिए आप लोग।